मार्टिन्स आकर्षक प्राणी हैं, रात्रिचर शिकारी, सावधान और गुप्त, फिर भी उनके पास उल्लेखनीय बुद्धि है। अपनी सुंदरता के बावजूद ये फुर्तीले शिकारी स्नोशो खरगोश और मरमोट्स सहित अपने से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम हैं। यदि आप इन अद्भुत जानवरों से अपरिचित हैं, तो मैं आपको उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। नंबर 6, मार्टिन भर्सिज गिलहरी। क्षेत्र में एक गिलहरी और पाइन मार्टिन से जुड़ी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। गिलहरी मृत पाई गई है और उसके पास एक पाइन मार्टिन देखा गया है। मार्टिन का व्यवहार असामान्य है क्योंकि वह मृत जानवर के अंगों को खा जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी है और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए हानिकारक है। यदि आपके सामने ऐसी ही कोई स्थिति आती है, तो कृपया उचित प्राधिकारियों को इसकी सूचना दे। इसके अतिरिक्त जानवरों को बिल्ली और चूहे का खेल खेलने के रूप में संदर्भित करना और भोजन की तुलना करके गिलहरी के सिर का वर्णन करना घटना की गंभीरता को तुच्छ बनाता है। घटना की प्रकृति की परवाह किए बिना पशु मुठभेड़ों पर चर्चा करते समय वस्तुनिष्ठ और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नंबर 5, मार्टिन भर्सिज कर्कस। मार्टिन ने एक शव का दावा किया है, संभवतः जंगली बिल्ली के अवशेष है। बिल्ली उनकी उपस्थिति से परेशान होकर पीछे हटने का विकल्प चुनती है। पक्षी उत्सुकता से मांस खोदते हैं। पास ही एक मरी हुई गिलहरी का शव झाड़ियों में उलझा हुआ पड़ा है। ये दृश्य एक गौशालक का निरीक्षण करने के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन 15 मिनट बाद पहुंचने वाला पहला सफाई कर्मी एक साधन संपन्न मार्टिन है। आखिरकार मार्टिन ने शव को मुक्त कर दिया और उस रात बाद में एक जिज्ञासु लोमड़ी के साथ वापस लौटा है। ये पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति के अंतर संबंध को प्रदर्शित करता है, जबकि एक पाइन मार्टिन रात में हिरण के शव पर दावत कर सकता है। यहाँ विभिन्न जीव एक छोटे जानवर के निधन की लूट को साझा करते हैं। नंबर 4, मार्टिन भर्सिज गोशावक। उत्तर मध्य ब्रिटिश कोलंबिया के जॉन प्रिंस रिसर्च फॉरेस्ट के हरे भरे जंगलों में शोधकर्ताओं ने व्यक्तिगत अमेरिकी मार्टिन्स की पहचान करने के लिए एक चतुर रणनीति अपनाई है। उन्होंने शहीदों को आकर्षित करने और उनकी छाती और गले के अलग अलग निशानों को पकड़ने की उम्मीद में एक कैमरा स्टेशन के पास रखे चारे का इस्तेमाल किया है। ऐसा ही एक प्रयास अप्रत्याशित नाटकीयता के साथ सामने आया है। एक उत्तरी गोशाक एक दुर्जेय शिकारी ने चारा छीनने के उद्देश्य से झपट्टा मारता है। लटकता हुआ अमेरिकी मार्टिन क्षण भर के लिए चौंका छिपने के लिए दौड़ता है, हालांकि इसका डर अल्पकालिक है। कुछ ही सेकंड में दृढ़ मार्टिन अपने भोजन की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर चारा के पास लौट आया है। जैसे ही गोशाक ने साहसिक दूसरा प्रयास किया है, मार्टिन ने आश्चर्यजनक चपलता के साथ जवाबी हमला किया, फ्रेम के पार उड़कर बड़े पक्षी पर हमला करने का प्रयास किया है, हालांकि हमला चूक गया। ये आश्चर्यचकित गोशाक को पैकिंग के लिए भेजने के लिए पर्याप्त है। बिजी होकर अमेरिकी मार्टिन ने अपना भोजन फिर से शुरू किया है, जो खतरे के सामने उसके उल्लेखनीय साहस और लचीलेपन का एक प्रमाण है। नंबर 3, मार्टिन भर्सिज रिव्स मुंटजिल्क। डेविड एटनबरो डॉक्यूमेंट्री की याद दिलाने वाला एक दृश्य है। इंग्लैंड के जंगलों में एक उल्लेखनीय घटना सामने आती है। 3 पीले गले वाले मार्टिन धीमी गति से चलते प्रतीत होते हैं। झाड़ियों के बीच से एक चौंका देने वाले मंटजा की हिरण का पीछा करते हैं। ये मनमोहक दृश्य एक स्थानीय निवासी को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देता है, क्योंकि उसने पहले कभी कैमरे में कैद ऐसा शिकार नहीं देखा था। अविश्वसनीय फुटेज मार्टिन की चपलता को दर्शाता है, क्योंकि वे डरे हुए हिरण रिवस मंटजैक मध्यम आकार के भूरे कुत्ते के समान हिरण की एक छोटी प्रजाति का लगातार पीछा करते हैं। आकार में अंतर के बावजूद रिवस मंटजैक अविचलित रहते हैं। एक व्यक्ति शिकार के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाता है, जबकि अन्य लोग करीब से उसका पीछा करते रहते हैं। पीछा जारी है। मार्टिन उल्लेखनीय स्तर की दृढ़ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे अंत मंटजैक थक गया है।
अंतिम कार्य में एक मार्टिन ने शिकार को वश में करते हुए निर्णायक प्रहार करता है। ये मुठभेड़ इन शिकारियों की उनके पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। नंबर दो, मार्टिन भरसे हिरण। इस क्लिप में नीलगिरी मार्टिन एक छोटे हिरण की पीठ पर छलांग लगाता है। हालांकि पास में मौजूद एक व्यक्ति ने नीलगिरी मार्टिन को डरा दिया है, जो हिरण को छोड़कर भाग जाता है। वृत्ति से प्रेरित होकर नीलगिरी मार्टिन हिरण को अभी भी वहीं खोजने के लिए वापस लौटता है। हालांकि इस बार पीछा कम आक्रामक है, संभवतः आदमी की लंबी उपस्थिति के कारण ऐसा हुआ है। इस क्लिप में एक अन्य दृश्य में कठोर सर्दी में एक अकेला मार्टिन एक शव पर ठोकर खाता है। अवसर का लाभ उठाते हुए ये आसान भोजन का आनंद उठाता है, जबकि नुकीले हिरण, जिन्हें कभी कभी पिशाच हिरण कहा जाता है, उनके सींगों में अन्य हिरणों के समान समानताएं होती हैं। उनके नुकीले दांत एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। प्रतिस्पर्धा में मेल द्वारा उपयोग किए जाने वाले आक्रामक सींगों के विपरीत इन नुकीले दांतों का उपयोग मुख्य रूप से आहार संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इस क्लिप में एक युवा पेशा चैलक को एक मार्टिन द्वारा पीछा करते हुए दिखाया गया है। सीमित विकल्पों के साथ एल केवल चल सकता है। माँ एल के पास देखने के बावजूद मार्टिन ने युवा जानवर को गर्दन से पकड़ लिया, जिससे दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। दिलचस्प बात यह है कि माँ हस्तक्षेप नहीं करती है, और मार्टिन इस हद तक चला जाता है कि मृत बच्चे को दीवार पर चढ़ा देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे खाने से पहले माँ को एक आखिरी बार देखने की पेशकश करता है। हालांकि इस व्यवहार के पीछे की प्रेरणा स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये मुठभेड़ में एक दिलचस्प परत जोड़ता है। नंबर एक, मार्टिन भरसेज खरगोश। ये मार्टिन कैंपसाइट के चारों ओर एक स्नोशू के बालों का पीछा करता है। जैसे ही बाल भागने की कोशिश करते हैं, मार्टिन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, और वह ठंड के दिनों में उस पर झपटता है और उसका दम खोंच देता है। एक कड़ाके की सर्दी के दिन एक मार्टिन, एक छोटा फुर्तीला शिकारी, ने एक स्नोशू खरगोश को बर्फ से ढके शिविर स्थल पर दौड़ते हुए दिखाया गया है। पीछा जारी था, भागने के लिए बेताब खरगोश बाधाओं को पार करता रहा है, लेकिन निश्चयी मार्टिन, जिसका 11 फरवरी सर्द मौसम के साथ मिश्रित है, 10 मिनट तक पीछा करने के बाद मार्टिन की चपलता बहुत अधिक साबित हुई और उसने सफलतापूर्वक खरगोश को अपने वश में कर लिया। एक अन्य दृश्य में शिकार की गंध से आकर्षित एक अलग मार्टिन बर्फीली जमीन पर छलांग लगाता है और एक सुरम्य शीतकालीन जंगल में बसे खरगोश पर अपनी नजरें जमाता है। खतरे को भांपते हुए खरगोश ने छलांग लगाई, लेकिन तेज और चालाक मार्टिन ने उसे रोक लिया। मार्टिन की प्राकृतिक शिकारी कौशल का प्रदर्शन करते हुए ये मुठभेड़ तेजी से समाप्त हो गई। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।